तनी लोटरी बढ़िया से देखो। ये 12 नंबर का जो खिलाड़ी है बहुत तगड़ा है। जी हाँ राजा, एक एक पॉइंट से मुकाबला बराबरी पर चलता है हुआ। यही पलटा रही है, यही पलटा रहा। प्रेरर है ना, जब तहने रहा होगा। बिलरिया गांव के कप्तान दीपू यादव, आज मेहनत की ही देन है कि जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वो भी आप आपने देखा जो ओलंपिक में पेरिस में खेला गया कि केहू तकनीकी से निशाना साधे ला। एगो तुर्की के रहन की चश्मे पहले रहन, उस चश्मे से मार दो। दुनिया अजीबों से भरी हुई है। आपने देखा पेपर में भी छपा था, चाहे सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होंगे तो जरूर उनको देखे होंगे। और भारत की हमेशा तुलना होती है पाकिस्तान से, भारत की क्यों नहीं तुलना होती है अमेरिका जैसे देशों से। आपने देखा पेरिस में वो देखने को मिला, आपका खेल बजट और विदेशों का खेल बजट में धरती आसमान का अंतर। फिर भी इन महाभाव में एक पॉइंट और, फिर भी जो भी पदक विजेता है हमारे देश से गए थे खिलाड़ी, लगभग 117 खिलाड़ियों का दल गया था। भले ही हम 6 ही पदक जीते, लेकिन सभी खिलाड़ियों को देश का नेतृत्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना अगला मैच सोनवानी बनाम बबनौली। कमेटी का निर्णय अभी भी 3-3 का मुकाबला एकदम बराबरी पे चल रहा है। एक पॉइंट से बढ़त बनाती हुई सिकंदरपुर की टीम। पॉइंटों की संख्या बढ़ती हुई सिकंदरपुर 5 और मटवा 3। आशीष वाइटी को बढ़ती। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार रहेंगी, सोनवानी और बहुनौली। Thank you.
सुपर टेकर लाइन है, पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको और फिर मैच बराबरी पर चला जाएगा। ये भी मैच आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान हो नहीं रहा है। दोनों टीमें एकदम कसी हुई हैं और मटवारा ये देखिए 1 पॉइंट और सिकंदरपुर 6 मटवा 3। भैया इनके ए भैया तारा खा लगा देखा हो रख ले बन जाए तू स्प्रे हो मार तब तुरंत दर्द खींच ली। स्प्रे हैवी स्प्रे मंगाया गया है तुरंत दर्द को सोख लेगा। ए दीपू भाई 00 00 लो पॉइंट के जरूरत बजाज हार के दो ही खिलाड़ी बचे हैं तो फिर सुपर टेकल करने का अच्छा मौका रहेगा। विशाल को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं पकड़ब में नहीं आऊंगा, वो जानते हैं कि तुम्हें समय काटे के पाएगा काटा समय। वो जानते हैं कि रिक्स लेना अच्छा नहीं रहेगा। 6 और 3 पहले ही 3 पॉइंट से आगे हैं वो। टाइम आउट। इस बार ये रिक्स लेना चाहेंगे क्योंकि अगर 1 पॉइंट अगर मिल जाए मटुआ को यहाँ से, अगर एक और खिलाड़ी को तो हो हाँ विशाले जी हाँ बार कला देख लो सीखो दीपू सीखो तान लोग खा ले रहे वो जो सो नोटल में हो से थू की दिमागे ना काम कर रहे एक आप दीपू आ जा लॉबी में और एक कॉन्फिडेंस कॉल जा रहा अब रेफरी पर आ गया। चलो जा अपील मत करिए हटिए अब कैमरा रही तब तक खींच के दिखा दिया जी ये पॉइंट मिलाएंगे इतना आसानी पॉइंट विशाल को मिलता हुआ। सात पॉइंटों का अंतर है मटवा को अगर वापसी करनी है तो नहीं तो मटवा क्या करेगी अगर मैच हारती है तो पूरी खाएगी फिर घर जाना पड़ेगा। छह पॉइंट अभी भी 5 पॉइंट से पीछे है मटवा की टीम। अगर शुरुआती में समय मैनेज करके चलती 1-2 पॉइंट से अगर पीछे रहता हाँ दावा हाँ खेल अभी खेल जा महाराज जा हटो ढेर चुरुगबत ये हो खूब झूठ होता है इनमें वो तो हमारे रेफरी भगवान वालों की तीसरी अखिया से देख लेता लोग Hello
क्या पॉइंट है? दो पॉइंट। जानते हैं कि आप रेफरी करना आसान है, जब आप रेफरी कराने के लिए जाएंगे ना तो पहले तो आपको यही नहीं पता है कि केवन हाथवा उठा के किधर देना है। 10 दिन तक सीखे में लाग जाए। तीन ही पॉइंट का अंतर है। कब पॉइंट का अंतर बा? हे भैया स्कोरर महोदय, 3 पॉइंट का है अगर सुपर रेट करके चले जाए आप तो। चलिए मुकाबला समाप्त हुआ इस तरह से। सिकंदरपुर की टीम विजयी।